हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, जो अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको कोई दूसरे चीज़ करने की या कहीं बुक करने की बुक्स जो है पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी आपके पास वक्त भी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास, तो आपको सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने होंगे चैप्टर वाइज। ये मैंने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो में आपको समझाया था कि किस तरीके से आपको जो है आगे का जो 30 दिन का जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, आप लोग बहुत जन ने देखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो काइंडली इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। एक 10 मिनट्स का वीडियो है ये, जिसमें मैंने समझाया हुआ है कि आगे के 30 दिन में किस तरीके से आप जो मैथ्स का पढ़ाई है उसको आगे बढ़ाए, ठीक है। तो उसमें मैंने ये कहा था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है चैप्टर वाइज प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आज मैं लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ चैप्टर के जो आपको मिल जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, और आज से ही आपका जो स्टडी होना चाहिए वो थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए होना चाहिए, ठीक है। आपके पास ज़्यादा टाइम हाथ में नहीं है, तो पहले ये जो 30 डेज का जो मैंने बताया था कि 30 डेज में कंप्लीट करवाऊंगा मैं, तो ये इसकी प्लानिंग क्या है पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट, ठीक है। तो प्लानिंग आप देख लीजिए, डे वन में मैंने रखा है आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डे दिया हुआ है और चैप्टर कौन कौन सा है ये दिया हुआ है और उसका क्या एस्टिमेटेड टाइम है ये भी मैंने दे रहा है, कितना टाइम आपको उसमें देना पड़ेगा। तो फर्स्ट के दो दिन में आपने देखा हो कि मैंने 7 आवर्स तक का टाइमिंग रखा है, क्योंकि इंपॉर्टेंस चैप्टर को जो वेटेज वाइज वो बोलिए या फिर डिफ़िकल्टी लेवल वाइज बोलिए, ज़्यादातर बच्चों को ये जो फर्स्ट दो दिन में जो मैंने चैप्टर रखा है इन चैप्टर्स में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आज जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर रियल नंबर, ट्रिग्नोमेट्री एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो रियल नंबर मैंने एक इजी चैप्टर रख दिया ताकि इसमें ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट ना करना पड़े, साथ में ट्रिग्नोमेट्री से मेरा मतलब दोनों चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस रिलेटेड जो वाला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 9 वो दिया हुआ है, एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जिसमें बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो डे वन में मतलब आज ही है डे वन, आज से ये स्टार्ट है। ये वीडियो आप जब भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए ये सीरीज़, ठीक है। तो डे वन का आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 4 चैप्टर रखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर इंक्लूडेड है, 6 to 7 आवर्स टाइमिंग आपको इसमें देना होगा, अप्रॉक्सीमेट 60 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। डे टू में मैंने जो चैप्टर्स रखे हैं उसके लिए भी मैंने 6 to 7 आवर्स का टाइमिंग रखा है यहाँ पे, और इसमें भी अप्रॉक्सीमेट 60 क्वेश्चन है। इस तरह से डे थ्री में चैप्टर जो है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल से कम है, तो इसमें मतलब डे थ्री से आपका जो टाइम है थोड़ा सा कम लग रहा है, और मैंने ये कहा था कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये आपको अप्रैल 10 तक ख़त्म करना सॉल्यूशन, तो मैंने यहाँ पे प्लानिंग 6 दिन का दे रखा है, तो 6 दिन का इसलिए मैं ये 6 दिन में क्वेश्चन आपको शेयर कर दूंगा, उसके बाद बाकी के 4 दिन में इसका सॉल्यूशन, मतलब आपको टारगेट ये करना है कि जिस दिन मैं दे रहा हूँ उसी दिन आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ले। इसलिए ये जो 60 क्वेश्चन है मैंने एक ड्यूरेशन दे दिया है कि 6 to 7 आवर्स में आपको ये ख़त्म करना है, तो उसमें से अगर कुछ अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है या डिफिकल्ट लगता है तो आप मेरे को वापस पूछ सकेंगे, जिसका सॉल्यूशन मैं आगे प्रोवाइड करूंगा। तो इस तरीके से जो सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट 10 डेज में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सैंपल पेपर्स की ओर जाएंगे कि बाकी के दिनों में सैंपल पर सॉल्व करेंगे। ये थी मेरी प्लानिंग, और ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा जो मैंने दिखाया था आपको, आप उसको देख लीजिएगा एक बार अगर आपको वक्त मिले तो, ठीक है। और 10 आवर्स का एक टाइम टेबल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो वेरी गुड है, नहीं है तो अपने से एक टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप सारा सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं आगे, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और ये कुछ सैम्पल वीडियोज़ मैंने दिया हुआ है जो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए, आज से और इधर उधर की बातें नहीं, आप पढ़ाई आज से स्टार्ट कर दीजिए,
क्वेश्चंस जो है, आप ये सोच रहे क्वेश्चंस कहाँ है, तो क्वेश्चंस है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है पीडीएफ, उसका डाउनलोड कीजिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वक्त पे फ्रेंड्स को भी जो है, अगर आपको अच्छा लगे तो ऑब्वियसली आपके फ्रेंड को भी अच्छा लगेगा, तो उनके भी हेल्प करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका ध्यान रखिए। बाय बाय।